नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 6 में होता है, सिक्स हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, जब बृहस्पति कुंडली के सिक्स हाउस में होता है तो कैसा फल देता है। दोस्तों लाल किताब में इसे बृहस्पति सिक्स हाउस वाले को मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव कहा गया है और कहा गया है कि मुफ्त रोटी गो तुझको हरदम मिलेगी, मगर माया तो ढूंढनी ही पड़ेगी। मुफ्त रोटी तो मिल जाएगी, बिना कुछ किए रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन पैसे के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर जो बृहस्पति को सिक्स हाउस में मुफ्त गौर मगर साधु स्वभाव कहकर पुकारा गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त की चीज़ें लेने वाला। इसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान को जीवन में कई चीज़ें बिना मांगे या बिना मेहनत किए ही मिल जाती है। उसे अपने जीवन में धन वगैरह कमाने के लिए कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बृहस्पति नेक हालत, जब बृहस्पति अच्छी हालत का होता है कुंडली में, तब इसके बारे में ये बात कही गई है कि हर शय बिना मांगे हाजिर, मतलब कोई भी चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती है। और ऐसे इंसान का किस्मत का जो असर है वो धोते भांजे या मामा के घर पर होता है। ऐसा व्यक्ति बृहस्पति सिक्स हाउस वाला अपने बुजुर्गों के नाम से दान करे तो उसकी किस्मत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये उसकी किस्मत की बुनियाद होती है। ऐसे व्यक्ति का पिता जब तक जिंदा होगा दानी होगा, दान करने वाला होगा, तो वो पूरी इज्जत का मालिक होगा, उसकी पूरी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, मगर यहाँ पर टर्राने वाला मेंढक ना होगा। अब आगे कहा गया है, फिर भी होगा तो धन की बारिश का मालिक या सोने की खानों में रहने वाला होगा, मतलब उसके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा होगा और उसका जो आखिरी समय है, मौत का जो समय है, उस समय भी वो खुशहाल होगा, उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात बृहस्पति जो सिक्स हाउस वाला है उसके पिता के बारे में कही गई है। लेकिन टेवे वाले के लिए जिसका बृहस्पति सिक्स हाउस में, उसके खुद के लिए ये शर्त नहीं है कि ज़रूरी नहीं है उसकी भी ऐसी ही कंडीशन हो उसके पिता की तरह, जैसे उसके पिता की अच्छी कंडीशन बताई गई है। और आगे बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता है आम तौर पर छोटी उम्र में गुजर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और आगे कहा गया है कि अगर ऐसा ना हो तो बृहस्पति सिक्स हाउस वाले का जो पिता है छोटी उम्र में ही चल बसता है और जरूरी भी नहीं है कि उसकी जल्दी डेथ हो जाए। ऐसा व्यक्ति मुफ्तखोर, जैसा मैंने बताया कि इसको बिना मांगे हर चीज़ मिल जाती है, इसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ऐसा व्यक्ति ऐशी होता है, इसको ऐशी पट्ठा कहा गया है, तो ऐश करने वाला होता है और साधारण जिंदगी होती है। बृहस्पति सिक्स हाउस वाले की जो किस्मत है वो राजा की किस्मत होगी, वो राजा जैसा होगा या वो फकीर की तरह होगा,
और फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए ये बात कही गई है। तो इसका जो फैसला है वो शनिचर की हालत पर होगा। शनिचर अगर नेक होगा तो राजा की हैसियत का होगा, इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है राजा की तरह होगी, और शनिचर अगर बद होगा तो फकीर की तरह इसकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। फिर भी इसके जो मामा हैं, जो मामा खानदान है, वो खुशहाल होंगे, मगर जो कुंडली वाला है, जो टेबे वाला है, उसके लिए उसकी 40 साल की उम्र तक या तो वो इसके जो मामा हैं, मामा खानदान है, वो इससे दुश्मनी रखेंगे या वो किसी काम के नहीं होंगे। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनिचर पापी होकर ना हो, दोस्त ग्रह बेशक हो सकते हैं, और खाना नंबर 2 से दृष्टि भी खाली हो और हर तरफ से बरी और अकेला ही बृहस्पति हो, तो ऐसे में दोस्तों ऐसे जातक के लड़के केतु से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, तो लड़के और लड़कियां बहुत तरक्की करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। इसमें ऐसे बताया गया है लाल किताब में कि लड़के गणेश जी के चूहे से खुद श्री गणेश जी की हैसियत तक पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत तरक्की करते हैं, और लड़कियां गरुड़ भगवान जी की तरह एक अच्छी ज़िंदगी की मालिक होती हैं, और गरुड़ भगवान जो है बहुत ही एक उत्तम हस्ती होते हैं। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनिचर पापी होकर ना हो, खाना नंबर 2 से दृष्टि खाली हो या ना हो, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सख्त मेहनत करके रोजी कमाने का मौका आएगा ही नहीं। उसको सख्त मेहनत करके रोजी रोटी कमाने का मौका कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी ऐसा टाइम आ भी जाए तो वो कोई काम करेगा ही नहीं, और उसे अपने लिए मुफ्त रोजी ज़रूर मिल जाएगी, और वो मेहनत करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, और उसको मुफ्त और बगैर मेहनत के रोटी और पानी हमेशा मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए, चाहे उसके यहाँ पर हजारों मेहमान आ जाएं, वो रोटी पानी के भंडारे खोलने की हिम्मत का मालिक होगा, इतना उसमें सामर्थ्य होगा, लेकिन नकद माया के संबंध में वो परेशानी होगा, मतलब पैसे को लेकर, लिक्विड कैश को लेकर वो परेशान ही होगा। जब कुंडली में बुध अच्छा हो, उम्दा हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐशी होता है, इसको ऐशी पट्ठा कहा गया है, ऐश करने वाला होता है और मतलब परस्त होता है, मतलबी होता है। जब केतु कुंडली में अच्छा हो, उम्दा हो, और ऐसे में व्यक्ति अपना चाल चलन अच्छा रखे, नेक रखे, अपने करैक्टर को ठीक रखे, तो मामा खुश रहते हैं, और जो टेवे वाला है, कुंडली वाला है, वो भी खुश रहता है, और उसकी ज़िंदगी में रौनक होती है, उसकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। लेकिन उसके अपने लिए, उसके जो मामा हैं टेवे वाले के 40 साल की उम्र तक, वो किसी काम के नहीं होते। अब मंदी हालत की बात करते हैं। जब बृहस्पति मंदी हालत का है, सिक्स हाउस में, अब ऐसे में जब बुध मंदा है, तो 34 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति को
मंदे नसीब की मार झेलनी पड़ती है, मतलब 34 साल की उम्र तक इसका जो भाग्य है वो खराब ही रहता है। अब जब केतु मंदा होता है, पैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, हाथ में रोजी के लिए फकीरों की तरह प्याला लिए सर्द आहों से मर रहा होगा, मतलब फकीर जैसे प्याला लेके घूमते हैं रोजी के लिए, तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि उसे भीख मांगनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। और मंदे समय पर केतु का जो उपाय है वो मददगार होगा, केतु का उपाय करने से इसे फायदा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय के बारे में, बृहस्पति जब 6th हाउस में होता है खाने नंबर 6 में, तो क्या उपाय करने चाहिए। जैसा मैंने बताया दोस्तों अभी कि मंदे वक्त पर केतु का उपाय करना चाहिए, केतु का उपाय मददगार होता है, जैसे कुत्ता पाल ले, कुत्ते की सेवा करें, पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, दान कभी नहीं लेना चाहिए, और अपने धोते की भांजे की सेवा करें, उनकी पालना करें। और दोस्तों चने की कच्ची दाल, तो चने की कच्ची दाल 6 दिन 6 डेज कंटिन्यू किसी भी धर्मस्थान में दें, तो चने की कच्ची दाल 6 दिन लगातार किसी भी धर्मस्थान में दें, इससे मंदे हालत जब होते हैं तब फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।